एकेडमी में तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम व्यूवर्स कैसे हैं? तबीयत ठीक है? आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ लेक्चर 27, जो जनरल नॉलेज पाकिस्तान रिलेटेड एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है। जो व्यूवर्स अभी रिसेंटली पीएसटी का टेस्ट रेंज होने वाले उस रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके अलावा तमाम जितने भी टेस्ट रेंज होते हैं ईटा, एनटीएस, फेडरल, प्रोविंशियल बेस पे, उस तमाम रिलेटेड ये एमसीक्यूज ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड एमसीक्यूज है। तो व्यूअर सिर्फ पीएसटी रिलेटेड एमसीक्यूज नहीं है, लेकिन काफ़ी मैटर करता है पीएसटी पोस्ट या टेस्ट अरेंजमेंट रिलेटेड ये एमसीक्यूज। और इसके अलावा ये एमसीक्यूज से हम फ़ायदा भी ले सकते हैं दूसरे टेस्टों के लिए भी, जस्ट एजुकेशन रिलेटेड नहीं। और डिपार्टमेंटल पोस्ट या जितने भी टेस्ट अरेंज होते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसके लिए भी हम इसको ना देख सकते हैं और इससे पेपर कवर हो सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं इससे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है पाकिस्तान रिलेटेड जितने भी जनरल नॉलेज है, और इसमें मैंने कोशिश की है 50+ एमसीक्यूज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह लेक्चर 27 में। सो व्यूअर लेट्स देखते हैं। फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान इज डैश। ऑप्शन ए है व्यूअर्स 156 डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी है 157 डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी 100 डिस्ट्रिक्ट एंड ऑप्शन डी है 154 डिस्ट्रिक्ट। सो व्यूअर फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज का जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर है, 154 डिस्ट्रिक्ट। पाकिस्तान में तमाम डिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 154। सेकेंड नंबर एमसीक्यूज है व्यूअर्स टोटल डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। अच्छा, पहले एमसीक्यूज में ना पाकिस्तान टोटल पाकिस्तान रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट के बारे में वो एमसीक्यूज दिया था। सेकंड एमसीक्यूज में पर्टिकुलरली पंजाब रिलेटेड एमसीक्यूज है कि पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। ऑप्शन ए है व्यूअर्स 36 डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी है 35 डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी है 39 डिस्ट्रिक्ट एंड ऑप्शन डी है 25 डिस्ट्रिक्ट। सो यूर राइट ऑप्शन है टू नंबर एमसीक्यूज का, ऑप्शन ए 36 डिस्ट्रिक्ट आर इन पंजाब। अच्छा व्यूअर्स, के पी के रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड एमसीक्यूज है, थर्ड नंबर एमसीक्यूज, टोटल डिस्ट्रिक्ट इन के पी इज डैश खैबर पख्तूनख्वा। ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 20। सो व्यूअर यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है थ्री नंबर एमसीक्यूज का वो ऑप्शन बी है 35 डिस्ट्रिक्ट आर इन के पी प्रोविंस। फोर नंबर एमसीक्यूज है, ओल्डेस्ट कंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन है कोहाट, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है रावलपिंडी, ऑप्शन डी है पेशावर। सो यूर ओल्डेस्ट कंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान इज कोहाट, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज है, इंडिया कंस्ट्रक्ट वोलर बैरेज ऑन विच रिवर। ऑप्शन ए है लाहौर, पिंडी, चनाब, जेलम। सो योर राइट ऑप्शन यहाँ पे है जेलम, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन ऑफ एमसीक्यूज 5। ऑप्शन एमसीक्यू 6 है कमांडर इन चीफ हु वाज आल्सो डिफेंस मिनिस्टर इन सिविल गवर्नमेंट। ऑप्शन ए मुशरफ, ऑप्शन बी है जुल्फिकार अली भुट्टो, ऑप्शन सी है सिकंदर मिर्जा एंड ऑप्शन डी है अयूब खान। सो योर राइट ऑप्शन है डी नंबर, अयूब खान। एमसीक्यूज नंबर 7 है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ के पी। ऑप्शन ए कोहाट, ऑप्शन बी है पेशावर, ऑप्शन सी है बनू, ऑप्शन डी है नौशहरा। सो योर राइट ऑप्शन है एमसीक्यूज नंबर 7 का, ऑप्शन सी बनू। एमसीक्यूज 8 है व्यूअर्स, जिना ऑफ पाकिस्तान वाज रिटन बाय डैश। ऑप्शन ए स्टेनले वॉलपोर्ट, ऑप्शन बी है गांधी, ऑप्शन सी अलामा इकबाल, ऑप्शन डी है चौधरी रहमत अली। सोवियर्स ये एक बुक का नाम है जिना ऑफ पाकिस्तान, ये किसने लिखा था? सोवियर राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 8 का, ऑप्शन ए स्टेनले वॉलपोर्ट इज द राइट ऑप्शन ऑफ एमसीक्यूज 8। एमसीक्यूज नंबर 9 है शालीमार गार्डन वाज बिल्ट बाय डैश। ऑप्शन ए है बाबर, बी नंबर ऑप्शन है शाहजहां, सी नंबर ऑप्शन है जफर, ऑप्शन डी हुमायूं। सोवियर यहाँ पे राइट ऑप्शन है बी नंबर, शाहजहां। 10 नंबर एमसीक्यूज है द तम ऑफ इकबाल लोकेटेड इन डैश। ऑप्शन ए है नियर बादशाही मस्जिद, ऑप्शन बी है फैसल मस्जिद, ऑप्शन सी है मोहब्बत खान मस्जिद, ऑप्शन डी है इस्लामाबाद। सो योर राइट ऑप्शन है 10 नंबर एमसीक्यूज का, ऑप्शन ए नियर बादशाही मस्जिद।
ऑप्शन 11 है, सॉरी एमसीक्यूज 11 है, गडानी बीच इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस? ऑप्शन ए है कराची, गिलगित, केपी के, एंड ऑप्शन डी नंबर है बलोचिस्तान। सो योर राइट ऑप्शन है 11 नंबर एमसीक्यूज का ऑप्शन डी, बलोचिस्तान इज राइट ऑप्शन ऑफ एमसीक्यूज नंबर 11। 12 नंबर एमसीक्यूज है डस्ट कोराकोरम हाईवे कनेक्ट पाकिस्तान विद देश? ऑप्शन ए चाइना, बी ईरान, सी नंबर ऑप्शन है अफगानिस्तान, डी नंबर ऑप्शन है इंडिया। सो योर राइट ऑप्शन है 12 नंबर एमसीक्यूज का ऑप्शन ए चाइना। कोराकोरम हाईवे कनेक्ट करता है पाकिस्तान विद चाइना। 13 नंबर एमसीक्यूज है स्मॉल स्टेट बाई एरिया इज डैश? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी नंबर ऑप्शन है ईरान, सी नंबर ऑप्शन है माल्टा, एंड डी नंबर ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। सो योर यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है 13 नंबर एमसीक्यूज का वो ऑप्शन सी माल्टा। माल्टा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया। ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 14 है डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर इज कॉल्ड डैश? ऑप्शन ए है लेटिट्यूड, बी नंबर ऑप्शन है लॉन्गिट्यूड, एंड सी नंबर ऑप्शन है इक्वेटर, डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सो योर यहाँ पे जो 14 नंबर एमसीक्यूज का ऑप्शन है राइट ऑप्शन वो ए नंबर ऑप्शन है लेटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर इज कॉल्ड लेटिट्यूड। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन ऑफ 14 नंबर एमसीक्यूज। 15 नंबर एमसीक्यूज है योर ईस्टर्न मीडिएशन इज लैंड साइप्रस डिवाइडेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? ऑप्शन ए ग्रीस एंड टर्की, बी नंबर ऑप्शन है ईरान एंड टर्की, सी नंबर ऑप्शन है अमेरिका एंड इंग्लैंड, डी नंबर ऑप्शन है टर्की एंड इंग्लैंड। सो योर यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है 15 नंबर एम सी क्यू इसका ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ग्रीस एंड तुर्की और टर्की। 16 नंबर एम सी क्यूज है व्यूअर्स राउटर, रियोटर इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ डैश? ऑप्शन ए अमेरिका, बी नंबर ऑप्शन है यूके, सी नंबर ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, डी नंबर ऑप्शन है तुर्की। सो योर राइट ऑप्शन है ए 16 नंबर एम सी क्यूज का बी नंबर ऑप्शन यूके, रॉयटर्स इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ यूके। 17 नंबर एम सी क्यूज है व्यूअर्स, अच्छा व्यूअर्स मैंने ऑलरेडी जो राइट ऑप्शन है वो हाईलाइट भी की है, ठीक है व्यूअर्स। 17 नंबर एम सी क्यूज है डज डब्ल्यू 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 स्टैंड फॉर डैश? ऑप्शन ए है वर्ल्ड वाइड वर्ड्स, बी नंबर ऑप्शन नन ऑफ दिस, सी नंबर ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब। सो यूर ये डेली रूटीन में हमारे सामने आते हैं डब्ल्यू 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 डॉट फ्लार डॉट कॉम या डैश डॉट स्लैश डॉट कॉम जो भी है, तो इसका मतलब है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, सी नंबर ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्यूअर्स 18 नंबर एम सी क्यूज है मोस्ट अर्बनाइज्ड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान डैश? ऑप्शन ए के पी, बी नंबर ऑप्शन है सिंध, सी नंबर ऑप्शन है पंजाब, डी नंबर ऑप्शन है बलोचिस्तान। सो योर मोस्ट अर्बनाइज प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज सिंध, बी नंबर ऑप्शन इज राइट ऑप्शन ऑफ एम सी क्यूज 18। 19 नंबर एम सी क्यूज है ब्लैक गोल्ड इज द नेम ऑफ डैश? ऑप्शन ए कॉयल, बी नंबर ऑप्शन है गोल्ड, सी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज, एंड डी नंबर ऑप्शन है ऑयल। सो योर ब्लैक गोल्ड कहा जाता है ऑयल को, जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 20 नंबर एम सी क्यूज है द कूलेस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज डैश? ऑप्शन ए सियाचिन, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड, एंड डी नंबर ऑप्शन है साइबेरिया। सो योर 20 नंबर एम सी क्यूज का जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर ऑप्शन है साइबेरिया। 21 नंबर एम सी क्यूज है कैपिटल ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर? ऑप्शन ए आज़ाद कश्मीर, बी इस्लामाबाद, सी रावलपिंडी, डी मुजफ्फराबाद। सो योर राइट ऑप्शन है 21 नंबर एम सी क्यूज का ऑप्शन डी, मुजफ्फराबाद इज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। 22 नंबर एम सी क्यूज है गोल्ड वॉर पार्टिसिपेट बाई विच कंट्रीज? ऑप्शन ए इराक, बी नंबर ऑप्शन है ईरान, सी नंबर ऑप्शन है अफगानिस्तान, डी यमन। सो योर 22 नंबर एम सी क्यू का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इराक। 23 नंबर एम सी क्यू है व्यूअर्स फ्रॉम द मून विच स्ट्रक्चर ऑन द लैंड विजिबल? ऑप्शन ए है व्यूअर्स बुर्ज खलीफा, बी नंबर ऑप्शन है मीनार पाकिस्तान, सी नंबर ऑप्शन है फैसल मस्जिद, डी नंबर ऑप्शन है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सो व्यूअर्स विजिबल स्ट्रक्चर ऑन लैंड फ्रॉम मून इज ऑप्शन डी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सो व्यूअर 23 नंबर एम सी क्यू का जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। व्यूअर 24 नंबर एम सी क्यू है द कंट्रीज बिगेस्ट इरीगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड?
ऑप्शन ए व्यूअर्स पाकिस्तान, बी नंबर ऑप्शन है व्यूअर्स इंडिया, सी नंबर ऑप्शन है व्यूअर्स चाइना एंड डी नंबर ऑप्शन है ईरान। व्यूअर्स बिगेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, वो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए है पाकिस्तान। सो व्यूअर 24 नंबर एमसीक्यू का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है पाकिस्तान, जो ऑलरेडी हाईलाइट हो चुका है। 25 नंबर एम सी क्यूज है व्यूअर्स, द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज डैश, ऑप्शन ए मर्करी, बी नंबर ऑप्शन है वेनस, सी नंबर ऑप्शन है अर्थ एंड डी नंबर सॉरी यहाँ पे जो सी नंबर रिपीट हो चुका है लेकिन हम इसको सी रीड करते हैं, सी नंबर ऑप्शन है जुपिटर। सो वी 25 नंबर एम सी क्यूज का जो राइट ऑप्शन है वो रिपीटेड हाईलाइट, सी नंबर ऑप्शन है जुपिटर। 26 नंबर एम सी क्यूज है व्यूअर, द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश इन डैश, ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है व्यूअर्स 15 अगस्त 1948 एंड ऑप्शन सी है 14 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है व्यूअर्स 1 जुलाई 1947। सो व्यूअर द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान वॉज एस्टेब्लिश इन 15 अगस्त 1947, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन ऑफ एम सी क्यूज नंबर 26। 27 नंबर एम सी क्यूज व्यूअर्स, मोहम्मद गजनवी डिस्ट्रॉयड डैश समनाथ टेम्पल इज द राइट ऑप्शन, ही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। 27 नंबर एम सी क्यू का जो राइट ऑप्शन है वो ए की है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया समनाथ टेम्पल ये डिस्ट्रॉय किया था किसने, गजनवी ने। 28 नंबर एम सी क्यू से व्यूअर्स, विच कंट्री हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑप्शन ए है इंडिया, बी नंबर ऑप्शन है पाकिस्तान, सी नंबर ऑप्शन है चाइना, डी नंबर ऑप्शन है ईरान। सो यूर लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ग्रोथ, लीस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ पे है वो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन चाइना। 29 नंबर एम सी क्यूज यूर्स, पाकिस्तान द हर्ट ऑफ एशिया इज अ बुक रिटन बाय डैश इन 1950, अच्छा यूर इसका जो राय और डिफरेंट ऑप्शन है, ऑप्शन है लियाकत अली खान, बी नंबर ऑप्शन है अलामा इकबाल, सी नंबर ऑप्शन है लियाकत अली खान एंड डी नंबर ऑप्शन है सिकंदर मिर्जा। लियाकत अली खान इज़ रिपीटेड, रिपीट हो चुका है ऑप्शन यहाँ पे, लेकिन आप लोगों के पास अगर रिपीट भी हो जाए इस तरह तो फर्स्ट पे जो होता है उसी को आपने हाईलाइट करना है, ये एक ट्रिकी ऑप्शंस दिए जाते हैं एग्ज़ाम में, यहाँ पे लियाकत अली खान, अलामा इकबाल, लियाकत अली खान। सो व्यूअर इसमें ना काफ़ी स्टूडेंट्स ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, जो फर्स्ट पे आता है राइट ऑप्शन वही आपने सेलेक्ट करना है, सेकंड वन जो राइट ऑप्शन होते हैं वो आपने इग्नोर कर देना है। सो व्यूअर यहाँ पर भी सेम इस तरह एक ट्रिकी ऑप्शंस और ट्रिकी ऑप्शंस आ चुके हैं, इस पे आप लोगों ने सिर्फ जिस तरह के ए और सी राइट ऑप्शन है लेकिन यहाँ पे जो सेलेक्ट करना है वो ए ए को ही करना है, फर्स्ट पे जो राइट ऑप्शन होता है वही आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। सो व्यूअर ये एमसीक्यू, इस एमसीक्यू का जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर लियाकत अली खान। अच्छा व्यूअर्स इसका क्वेश्चन इस तरह भी आता है, पाकिस्तान द हर्ट ऑफ एशिया इज अ बुक रिटन बाय लियाकत अली खान इन डैश 1957, ये इस तरह भी एमसीक्यू आता है और ये भी आ सकता है, डैश इज अ बुक रिटन बाय लियाकत अली खान इन 1950। सो व्यूअर इस तरह भी आ सकते हैं एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज एक एमसीक्यूज है, तीन टाइप्स पे ये आ सकते हैं, तीन तरह ये आ सकते हैं, इसमें ये पाकिस्तान द हर्ट ऑफ एशिया इसको भी हाइड कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक में डाल सकते हैं, लियाकत अली खान किसने लिखा इसको भी फिल इन द ब्लैंक में डाल सकते हैं, ईयर 1950 को भी फिल इन द ब्लैंक में डाल सकते हैं। सो व्यूअर्स ठीक है व्यूअर्स, 30 नंबर एम सी क्यूज अच्छा यहाँ पे फिर इंफॉर्मेटिव एम सी क्यूज हैं करंट गवर्नमेंट रिलेटेड, मींस करंट अफेयर रिलेटेड, 30, 31, 32, 34, 33, 34, 35 एम सी क्यूज को मैंने एक ही समराइज करके इंफॉर्मेटिव पेज बनाए हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ एलवी, 31st नंबर एम सी क्यूज है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज डैश इमरान खान, ये करंट अफेयर में ये रिपीटेड अपडेटेड होते रहते हैं, साल के अंदर 6 महीने के अंदर 5 साल बाद ये रिपीटेड रिपीटेडली अपडेट होते रहते हैं ये करंट अफेयर रिलेटेड एमसीक्यूज। 32 नंबर पे है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, 33 नंबर एमसीक्यूज है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल जफर अब्बासी, ठीक है व्यूअर्स। 34 नंबर एमसीक्यूज है एयर चीफ मार्शल कौन है, मुजाहिद अनवर, 35 नंबर एमसीक्यूज है चेयरमैन सेनेट
सादिक संजरानी जो अभी दोबारा वो हो गया था उस पर नो कॉन्फिडेंस वोट लेके आए थे, ये दोबारा हो गया था। 36 नंबर एमसीक्यूज़ है, यू आर लीडर ऑफ अपोजिशन इन नेशनल असेंबली, शहबाज शरीफ। राइट ऑप्शन है शहबाज शरीफ। 37 नंबर एमसीक्यूज़ है, यू आर लीडर ऑफ अपोजिशन इन सेनेट, राजा जफरुल हक। लेकिन अभी वो आई थिंक वो हो गया है, इस ये एमसीक्यूज़ भी अपडेट हो गया, वो पीपल पार्टी का जो पास्ट एक्स प्राइम मिनिस्टर था जो भी रिसेंटली वो हो गया उस लीडर ऑफ अपोजिशन इन सेनेट। 38 नंबर एमसीक्यूज़ है, गवर्नर स्टेट बैंक डैश रजा बाकर, गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक कौन है, रजा बाकर। 39 नंबर एमसीक्यूज़ है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ये कौन है, मीर खलील जवेद। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इससे मोस्टली एमसीक्यूज़ आते हैं, कवर होते हैं करंट अफेयर्स हैं। 40 नंबर एमसीक्यूज़ है, प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कौन है, सरदार मसूद खान। 40 नंबर एमसीक्यूज़ यहाँ पे हमने 40 तक कवर की है, अब वो 41 to 45 नंबर एमसीक्यूज़ हम ये एक ही पेज पे कवर करेंगे, इंफॉर्मेटिव करंट अफेयर रिलेटेड एमसीक्यूज़ है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कौन है, राजा मोहम्मद फरूक हैदर खान, ये प्राइम मिनिस्टर है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का, और इसकी एफिलिएशन और पार्टी रिलेशन भी मुस्लिम लीग नून से है। 42 नंबर एमसीक्यूज़ है, चेयरमैन पीसीबी कौन है, एहसान मानी इज द चेयरमैन ऑफ पीसीबी। 43 नंबर एमसीक्यूज़ है, व्यूअर चेयरमैन वापडा कौन है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये काफ़ी रिपीट हो सकते हैं, रिपीट हो चुके हैं, करंट अफेयर रिलेटेड है, लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन, ये चेयरमैन वापडा है, ठीक है व्यूअर्स, जो भी काफ़ी डैम्स पर भी काम स्टार्ट किया है। 44 नंबर एमसीक्यूज़ है, व्यूअर चेयरमैन नैब, करंटली अब कौन चेयरमैन नैब है, तो व्यूअर ये है रिटायर्ड चीफ जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, जो भी करंटली एक्टिव चेयरमैन नैब है। 45 नंबर एमसीक्यूज़ है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट कौन है, सलीम मांडवी वाला, ठीक है व्यूअर्स। अब 46 नंबर एमसीक्यूज़ है, DGISI कौन है हमारे पाकिस्तान का, जनरल फैज हमीद। 47 नंबर एमसीक्यूज़ है, DGISPR कौन है पाकिस्तान का, तो वो है मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। 48 नंबर एमसीक्यूज़ है, यूर UN रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान कौन है, मुनीर ए खान, मुनीर मलिक, मुनीर अहमद मलिक, ये UN रिप्रेजेंटेटिव, UN में पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। इससे पहले एक लेडीज़ थी लेकिन अभी वो चेंज करके इसको लगा दिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पीरियड में, अभी PTI गवर्नमेंट ने उसको चेंज करके रिप्लेस करके मुनीर मलिक को लगा दिया UN में पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, यूर 49 नंबर एमसीक्यूज़ है, SSP CID पुलिस का कौन है, सैयद मोहम्मद अली रज़ा। 50 नंबर एमसीक्यूज़ है, यूर लीडर ऑफ हाउस इन सेनेट, शहजाद वसीम। 51 नंबर एमसीक्यूज़ है, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ये कौन है, जनरल नदीम रज़ा इज़ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। व्यूअर्स 52 and 53 नंबर एमसीक्यूज़, नॉर्थ ईस्ट में पाकिस्तान का कौन है, चाइना, और चाइना के साथ पाकिस्तानी बॉर्डर लेंथ कितना है, बॉर्डर लेंथ विद चाइना 595 किलोमीटर, ठीक है व्यूअर्स, ये पाकिस्तान रिलेटेड एमसीक्यूज़ है। नॉर्थ ईस्ट में पाकिस्तान में कौन सा मुल्क, नॉर्थ ईस्ट में पाकिस्तान का कौन सा मुल्क लोकेट करता है, तो वो चाइना है, और चाइना के साथ बॉर्डर कितने किलोमीटर का है, 595 किलोमीटर का। अच्छा व्यूअर, ईस्ट में कौन है पाकिस्तान का, इंडिया है। अच्छा, इंडिया के साथ बॉर्डर कितना है, बॉर्डर लेंथ विद इंडिया 2912 किलोमीटर, जिसको रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं, ठीक है व्यूअर्स। 56 नंबर एमसीक्यूज़ है, वेस्ट में पाकिस्तान के कौन सा मुल्क लोकेट करता है, कंट्री, तो वो ईरान है, ठीक है व्यूअर्स। 57 नंबर एमसीक्यूज़ है, ईरान के साथ बॉर्डर लेंथ कितना है पाकिस्तान का, 909 किलोमीटर। अच्छा व्यूअर्स, नॉर्थ वेस्ट, 58 नंबर एमसीक्यूज़ है, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान की कौन सा कंट्री लोकेट करता है, अफगानिस्तान के साथ। 59 नंबर एमसीक्यूज़ है, बॉर्डर लेंथ
अफगानिस्तान के साथ कितना है? वो 2250 किलोमीटर, जिसको ना ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है, ठीक है व्यूअर्स। 60 नंबर एंड लास्ट वन एमसीक्यूज है व्यूअर्स, पाकिस्तान वॉन द ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम इन डैश। सो व्यूअर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। इसका जो ऑप्शन है 1964 1964 पाकिस्तान वॉन द ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1964। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 27 जो करंट अफेयर पाकिस्तान रिलेटेड एमसीक्यूज पर मुश्तमिल था, लेक्चर नंबर 27 वो ख़त्म हो गया यहाँ पे। सो व्यूअर 28 नंबर एमसीक्यूज इंशाल्लाह कल तक अपलोड हो जाएगा, और तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट होगी कि चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो आप लोगों को टाइम पे मिले। थैंक यू।